मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बाआदब अस्सलाम वालेकुम। आपका खिदमत गुजार हकीम इत्तफाक हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं फ्रेंड्स? अल्लाह ताला खुश रखे आपको, जीते रहें। मेरी दुआएं हैं तमाम मेम्बरान के लिए, जहाँ जहाँ रहें अल्लाह पाक आपको तमाम दुख तकलीफ़ों से महफूज रखे। मेरी दुआएं होती हैं हर वीडियो में, और जितने मेम्बरान हैं सबके लिए ही मेरी दुआएं हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो गैर मुस्लिम है तो सब अल्लाह की मखलूकात, सबके लिए ही मेरी दुआएं होती हैं। और खसूसन खसूसन जो आउट कंट्री में हमारे भाई हैं उनके लिए मेरी खसूसी दुआएं होती हैं। हमारे मेम्बरान, अल्लाह पाक आपका घराना हमेशा हंसता खेलता रहे और कामयाबी कामरानी आपके कदम चूमे, और हर मैदान में ही अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत खलक के लिए हाजिर है। इसी चैनल पर रूहानी और यूनानी दोनों ही तरीके से हेल्प की जा रही है। जो हमारे नए मेम्बरान वीडियो देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप रूहानी और यूनानी दोनों ही वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, और जो हमारी पुरानी वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, 500 वीडियो हैं हमारी, बहुत से सीने के राज हैं हमारे, उन वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दोस्तों मेरी पिक है, इत्तफाक हुसैन लिखा हुआ है, वहाँ आप क्लिक कर दें, हमारी तमाम ही वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। तो आप घर बैठे अपना, अपने दोस्तों को, अपने अजीजों का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और हर मसले का हल कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास बहुत से मैसेज आए थे जो गैर मुस्लिम हैं कि हकीम साहब बहुत से आप पढ़ाएंगे, वजीफे अमल आयतें वगैरह देते हैं, अल्लाह के नामों से भी आप बहुत से हमें अमल बताते हैं, तो ये हम गैर मुस्लिम हैं तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा टोटका दें जो हम फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों उनके लिए भी खुशखबरी है, और हमारे जो मुसलमान कंट्री के हमारे भाई हैं तो वो भी फ़ायदा हासिल करें, और जो गैर मुस्लिम हैं तो ये उनकी बात भी मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इसमें कोई पढ़ाई नहीं है या कुरान की कोई आयत नहीं है, कोई सूरत नहीं है, कोई वजीफा नहीं है, कोई इस्म नहीं है, अल्लाह के नाम नहीं है, तो दोस्तों इसको कोई भी इस अमल को कर सकता है, इस टोटके को कर सकता है, आसान है। दोस्तों पहली बात तो ये महबूब के लिए भी कर सकते हैं, लड़का लड़की के लिए कर सकता है, ठीक है, और लड़की लड़के के लिए कर सकती है, ये दोनों ही अमल कर सकते हैं। और जो मियाँ बीवी हैं उनमें नाचाकी है, मसले हैं, तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं, सबके लिए ये अमल है। और महबूब अगर ना भी हो, कोई ऐसे आपके जानने वाले हैं या कोई दुश्मनाई है या कुछ मसला है, तो ये उसके लिए भी कर सकते हैं, उसको अपना बनाने के लिए। लेकिन ये अमल मैं आपको बताए देता हूँ, आप तमाम मेम्बरान मुझसे वादा करें कि इसे जायज़ इस्तेमाल करेंगे, नाजायज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जायज़ इस्तेमाल करते हैं तो उन दोस्तों के लिए मेरी इजाज़त है, इस अमल को आप करें तो सत्य खैरें हैं, बेड़ा पार है, कामयाबियां हैं। जिस फ्रेंड्स ने भी नीयत में फ़र्क लाई कि इसे गलत यूज़ करना है, हराम के लिए यूज़ करना है, तो दोस्तों इस अमल को मैं मना कर रहा हूँ, नहीं करें, कामयाबी नहीं मिलेगी, जायज़ काम के लिए मैं इजाज़त दे रहा हूँ। दोस्तों अमल बिल्कुल सादा सा सिंपल सा अमल है, करना क्या है दोस्तों, स्याह रंग का धागा ले लें आप, आम सा धागा जो होता है कपड़े सीने वाला, ये थोड़ा सा आप टुकड़ा ले लें, तकरीबन आप 10 इंच का 15 इंच का आप ये टुकड़ा आप एक ले लें। तो करना क्या है दोस्तों, इस धागे के साथ आपने दो लोंगों को बांधना है, दो लोंग, दो अदद लोंग ले लें, उनको थोड़ा सा गैप देके अलग अलग उनको बांध दें, एक लोंग उठाएं उस पे दो गिठाने लगा लें
उसमें 2 इंच का 3 इंच का फासला रखें, दूसरे लौंग को भी इस तरीके से आप बांध लें, अलग अलग बांधना है। तो दोस्तों करना क्या है, ये अमल करना है जुमेरात वाले दिन करेंगे आप, किसी भी वक्त कर लें, असर के टाइम कर लें, ठीक है, जो आप दोपहर को भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मगरिब से पहले पहले इस अमल को आप कर लें। ये आप धागा जो है इन लोगों के साथ बांध के, और जब भी सोने का टाइम हो आपका तो दोस्तों उस हिस्से के साथ आपने इसे बांधना है जहां आपको पसीना आता है, मतलब कहने का इस जगह आप बांधेंगे जो पसीना आएगा ना, इन लोगों को जज्ब करना है उस पसीने में, ताकि लोग वो पसीना पी लें आपका, ठीक है जी, अपने अंदर समा लें उस पसीने को, वो लोग जो है इस तरीके से आपने उस जगह पे बांधना है जहां आपको पसीना आता है, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई कैद नहीं है, कोई भी जगह हो, ठीक है जी। तो दोस्तों कम से कम अगर पूरी रात बंधा रहे ठीक है, नहीं तो 5 से 6 घंटे आपकी उस जगह के साथ, उस हिस्से के साथ के लगा रहे, पड़ा रहे। उसके बाद दोस्तों जुम्मे वाले दिन आपने दूसरे दिन इसको पीस लें, पाउडर कर लें, इसे संभाल के रख लें। अगली जुमेरात को दोस्तों आपने किसी भी खाने वाली चीज़ में या पीने वाली चीज़ में, जूस में, मिल्क शेक में, या किसी खाने में, मिठाई में, तो ये आप मिलाकर जो है उसको दे दें। मर्द है ख़वातीन के लिए कर सकते हैं, ख़वातीन हैं तो मर्द के लिए कर सकती हैं, मियाँ बीवी हैं वो उन्हें अपने प्यार में बिल्कुल 100% इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो शोहर भी कर सकते हैं और बीवी भी कर सकती है। लेकिन फिर एक बार मैं ये बताना लाजमी समझता हूँ कि इसको जायज़ काम के लिए मैं इजाज़त दे रहा हूँ, इसको अमल को करने के बाद कोई हराम की नीयत आप करेंगे, किसी को धोखा देने की नीयत करेंगे तो फिर नहीं करना, मना कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से आर्डर नहीं, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे हमने जवाब देना है, हमने मेरे हमारी सारी वीडियो खोल के देख ले, नजायज़ हमने कोई अमल नहीं बताया, याद रख लेना। तो दोस्तों इस अमल को करें और देखें, किसी का भलाई के लिए मेरी गुजारिश है तमाम मेम्बरान से जो इसे देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि उजड़े हुए लोगों के गुलशन में बाहर आ जाए, और जो दो नाराज हैं वो एक हो सकें, तो इस वीडियो को खुदारा खुदारा शेयर करें एक नेकी की नीयत से। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।